Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching. लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ के गेस्ट हाउस में संयुक्त समीक्षा बैठक की, जिसमें अपना दल के मंडल और जिला प्रभारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में आने वाले निकाय चुनाव को लेकर बातचीत की, साथ ही मीडिया से भी रूबरू हुई। आज ही हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। ये विशेष बैठक बुलाई गई है क्योंकि आगामी 17 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर जनपद इलाहाबाद में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसकी तैयारियों की समीक्षा के संबंध में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी को यहाँ पर बुलाया गया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के 6 महीने के कार्यकाल पर खुशी जाहिर की, साथ ही कहा कि हमारा गठबंधन ठीक तरह से काम कर रहा है। देखिए, सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि पिछली जो विरासत रही है कानून व्यवस्था की दृष्टि से, विशेष तौर पे उस विरासत को इतनी जल्दी हम उसमें परिवर्तन लाएं 6 महीने के अंदर, ये थोड़ा कठिन ज़रूर है। हमने इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था 100% पटरी पर आ चुकी है, लेकिन हमने इसकी शुरुआत कर दी है और काफ़ी हद तक इसमें सुधार आ चुका है। और जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उसे भी आने वाले वक्त में, अभी तो हमारी सरकार को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, आने वाले समय में हम पूरी तरीके से उसे सुरक्षित और महफूज वातावरण प्रदेशवासियों को देंगे। अनुप्रिया पटेल ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि अभी उनकी पार्टी ने अपना स्टैंड तय नहीं किया है कि चुनाव लड़ा जाए या नहीं। वहीं BHU में छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। BHU में जो घटना हुई है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम आज राज्य की सरकार में भी सहयोगी हैं, केंद्र में भी सहयोगी हैं और राज्य सरकार ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत इसकी जांच के आदेश दिए और आज आप जानते हैं कि कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट भी पहुंचा दी है मुख्य सचिव तक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है और जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।